नेशनल खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें जिंदा शहीद माना जाता है। जी हाँ, इन्हें लोग जिंदा शहीद के नाम से ही जानते हैं। बचपन से लेकर अब तक इन्होंने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आतंकी हमलों को अपने फौलादी सीने से सामना किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है श्री मनिंदरजीत सिंह विक्टर। आपका स्वागत। वंदे मातरम। मैं आपको आपके बचपन तक पहले ले जाती हूँ, शुरू वहाँ से करते हैं। जिंदगी का ककहरा सीखने से पहले ऐसा माना जाता है कि मनिंदरजीत सिंह विक्टर ने देशभक्ति का ककहरा पहले सीखा। सबसे पहली बात जो आपने कही कि कुर्बानी दी है मैंने, इस मातृभूमि के लिए कोई भी काम करना, इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन को देना, उसको कभी भी कुर्बानी नहीं कहती। वो हमारा एक कर्तव्य, हमारा एक फर्ज है, क्योंकि मातृभूमि की सेवा करना, इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। जब जलियांवाला बाग के अंदर 7 साल की उम्र में मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ शपथ ली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून की उस लाल मिट्टी पर तो यही शपथ ली थी कि आज़ादी इन्होंने लेके दे दी, हम आज़ादी की रक्षा के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। तो हमने उसकी ज़िंदगी के शुरुआत की और आज बोनस की ज़िंदगी में इस मातृभूमि की सेवा के लिए हम लगे रहते हैं। शरीर का आधा हिस्सा बम्बों से छाननी हो चुका है, तो आधा देने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। ये कर्तव्य है, जो कुर्बानी नहीं है, ये एहसान नहीं है। जिस दिन हम कुर्बानी कहेंगे, जिस दिन हम एहसान कहेंगे, जिस दिन हम अपने आप को राष्ट्र भगत कहेंगे, उस दिन हमारी ये सारी मेहनत, हमारा ये कर्तव्य सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है। हम तो मातृभूमि के आगे यही प्रेरित करते हैं, भगवान के आगे यही प्रेरित करते हैं। जब भी कभी हमारा जीवन बम्बों गोलियों से इस मातृभूमि के लिए जाता है, बम्बों से बचा हुआ, फिर जब दोबारा जन्म हो इस मातृभूमि की सेवा के लिए, बम गोलियां खाने के लिए, राष्ट्र की आज़ादी की रक्षा के लिए, फिर जीवन देने के लिए बार बार तैयार हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, उसको कर्तव्य को पूरा किया है और आगे भी करते रहेंगे। एक बार भी आपके जहन में हिचक नहीं उठी जब आपने ये ठान लिया कि नहीं, चाहे खालिस्तानियों ने कहा है कि तिरंगा नहीं फहराने दूंगा, बहुत महज 17-18 वर्ष की उम्र, एक किशोर, जरा भी डर नहीं लगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग के अंदर वॉक करने उनके साथ जाता था, वो मुझे उंगल में पकड़ के ले जाते थे, तो उम्र छोटी थी। तो मैंने एक दिन ग्रैंडफादर से पूछा कि ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज़ के हैं, तो ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि ये जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं। पूरा इतिहास बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर, जो मातृभूमि को अंग्रेज़ों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते थे, उनके ऊपर किस तरीके से गोलियाँ चलाई गई, किस तरीके से उनके ऊपर बम्बों का, तोपों का इस्तेमाल किया गया। तो मुझे उस वक्त ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो जनरल डायर का जो सारे हालात थे, वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आई कि इस तरीके से गोलियां लगी, जैसे लगा था कि वो गोलियां मेरे सीने पे लग रही हैं। तो फिर ग्रैंडफादर ने मुझे जलियांवाला बाग की किताब ला के दी, शहीद आज़म भगत सिंह जी की किताबों को ला के दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी की किताबों को ला के दिया। मैंने उनको पढ़ा और फिर 15 दिन के बाद मैंने अपने ग्रैंडफादर के सामने उस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की लाल खून की मिट्टी पे शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद फिर थोड़े होश में हुए, थोड़े बड़े हुए, स्कूल में थोड़े और बड़ी क्लास में आए, तो हमने अपने नौजवान जो मोहल्ले के लोग थे, लड़के थे, हमारे स्कूल के लड़के थे, उनके साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम शुरू किया। ये चलता रहा कितने साल। मन में कई बार सवाल उठे होंगे कि ये देश के साथ क्या हो गया, क्या देश आज आज़ाद है, इतने सालों के बाद भी इसको आज़ादी मिल पाई नहीं है? दो चीज़ें हैं जो मैं आज महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने बम भी खाए हैं, गोलियाँ भी खाई हैं, शरीर में बहुत कष्ट भी सहे हैं, आज भी सहता हूँ, पर बम गोलियां जो मेरे शरीर के ऊपर जो मुझे कष्ट देते हैं, मुझे पीड़ा देते हैं, मुझे तुरंत मातृभूमि याद आती है, मुझे वो जलियांवाला बाग याद आता है, मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा याद आता है, मुझे जो जवान सरहदों पे मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा करते हुए सीने पे गोलियां खाते हैं, उनकी जो बॉडी है लाल खून में लिपटी हुई तिरंगे झंडे में आती, मुझे वो याद आती है। वो बम गोलियां दर्दें जो आज भी मेरे शरीर में मुझे ठेस पहुंचाती हैं, वो मुझे फूलों की तरह लगती है, गुलाब के फूलों की तरह लगती है, क्योंकि वो मातृभूमि की सेवा की एक लड़ाई है। पर सबसे बड़ा दुखी और सबसे बड़ा अपसेट मैं होता हूँ, मेंटली टॉर्चर होता हूँ, उसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीति गुलामी, राजनीतिक आतंकवाद। सबसे बड़ा मुझे जो डर, खतरा हमेशा मेरे दिल में एक खौफ रहता है, वो मेरे बम्बों गोलियों का, मौत का नहीं रहता। मौत तो मैं सीने पे लगा के चलता हूँ, मैं तो बार बार मर चुका, बार बार फिर जीवन हुआ,
मैं तो बोनस पे हूँ और मैं ये समझता हूँ, सबको कहता हूँ, मुझे स्पीच करता हुआ कई जगह पे कि भगवान ने मुझे सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है, वो शायद बड़े कम लोगों के पास है, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के पास नहीं है, उसका नाम है मौत, वो तो एक दिन आनी है, तो मुझे वो हमेशा याद रहती है। पर खौफ जो हमेशा रहता है वो पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीति गुलामी, पॉलिटिकल आतंकवाद, उसका मुझे बड़ा खौफ रहता है। ये बड़ा ख़तरनाक होता है और ऐसा ख़तरनाक होता है, इसको कहते हैं साइलेंट मर्डर, साइलेंट पॉइजन, इंसान को पता ही नहीं चलता उसके पीछे क्या क्या साजिशें रची रहती हैं उसको समाप्त करने के लिए, उसके परिवार को, उसके आसपास क्या दिमाग चलते रहते हैं। और जो दिमाग चलाने वाले लोग होते हैं उनकी उम्र शायद 200-200 साल होगी, पर वो ये नहीं समझ पाते कि इस आदमी की उम्र ही बड़ी, पता नहीं कब है, आज है कल नहीं है, वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं। तो लेकिन जो वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार की जो राजनीतिक सोच है, क्या कभी आपको आहत करती है? आपको क्या लगता है कि वो सही है? नहीं, देखो जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिसी जो आतंकवाद के खिलाफ है वो बड़ी स्पष्ट और साफ है। मैं समझता हूँ मेरा शायद 30-32 साल का सपना पूरा हो रहा है, जिन चीज़ों की मैं डिमांड करता था, सरहदों पे सुरक्षा को मुकम्मल किया जाए, परिवारों की पूरी मदद की जाए, जनता प्रथम नहीं है, पब्लिक प्रथम नहीं है, हम रहें या ना रहें, आज नहीं तो कल जाना है, मर मातृभूमि सदियों सदियों तक जिंदा रहे। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार के सरकार में पावर में आने के बाद से भाई साहब हमले हुए हमारे देश पर, उसका क्या करारा जवाब हमारी सरकार, हमारा देश दे पाया है? नहीं, और देखो जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने फौज को कह रखा है डट के जवाब देना है। मैं ना नरेंद्र मोदी जी को कभी मिला हूँ, ना मिलने की इच्छा रखता हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के लिए दिमाग के ऊपर बोझ नहीं डालना। मैं मिलूं, मैं कहूं, जब एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए आतंकवाद, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है आतंकवाद, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा और जवानों का रक्षा करना, वो मेरा मुद्दा है, वो मेरी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो उनकी तरफ से हम कोई भी प्रश्न किंतु आतंकवाद की लड़ाई के ऊपर तो कर ही नहीं। लेकिन आपकी जो ये लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, क्या ये आसान और सरल नहीं हो जाती अगर आप राजनीति से जुड़े रहते, जिस तरह से आपने कांग्रेस से अपनी शुरुआत की राजनीति? नहीं, मैं देखो मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि मैं बचपन में भी पॉलिटिक्स में आया था, तो उस वक्त की पॉलिटिक्स ही राष्ट्र, हम 7 साल की 8 साल की 9 साल की उम्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे लेकर के सड़कों पर निकला करते थे और नारे दिया करते थे, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म नेक, और दोपहर को एक पत्थरों के ऊपर खाना खाया करते थे, 5-स्टार होटल में खाना नहीं खाते थे। और उसके बाद जब आतंकवाद की लड़ाई शुरू हुई, हम उस वक्त भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर जब आतंकवादियों ने कहा कि बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा उसके हाथ काट देंगे, हमने लोकतंत्र लाने के लिए आतंकवादियों का जवाब गोलियों का, लोकतंत्र लाने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए हम जो आंदोलन किया उसमें हमें जीत प्राप्त हुई, और जब अमन शांति दिया हमने राजनीति को अलविदा कह दिया, क्योंकि राजनीति बचपन से ही मुझे अच्छी नहीं लगती। हम राजनीतिक लोग, मैं क्या कहूँ, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो मेरे से सब नए हैं, मैं उम्र में चाहे छोटा उनसे होऊंगा पर राजनीति में बचपन से हूँ, मैंने जो राजनीति को अपने जीवन के अंदर रिसर्च किया है, लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, लोग टीवी देख के रिसर्च करते हैं, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में रिसर्च किया है, हम बहुत गिर जाते हैं, हमें किसी के ऊपर तरस नहीं आता। मैं क्या कहूँ कि हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है, गेंडे से भी मोटी चमड़ी हो जाती है, अपने पे असर ही नहीं होता, हम किसी का बुरा करने के ऊपर 2 मिनट लगाते हैं, लाखों में 100 में से कुछ 2-4 आदमी निकल जाएं तो निकल जाएं। मेरा ख्याल है कि राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो किसी दूसरे के ऊपर तर्क करते हैं। पॉलिटिक्स मतलब क्या हुआ, हम जब किसी को कहते हैं मेरे से राजनीति मत करना, कभी आपने जो सोचा है वो उसको क्यों कह रहा है मेरे से राजनीति मत करना? हम बड़े बेवफा लोग हैं, हम बड़े धोखेबाज लोग हैं, मौका प्रस्त लोग हैं, हम किसी पे तर्क नहीं खाते। ये मेरा ज़िंदगी का रिसर्च है, क्योंकि मैं फिर कहूँ मैं बम्बों गोलियों का मारा हुआ नहीं हूँ, मौत तो मेरे करीब रही कई बार, अब भी मेरे करीब रहती है, मैं अगर मारा हुआ हूँ तो पॉलिटिकल टेररिज्म का मारा हुआ हूँ, मैं ऐसे ही सेवा करना पसंद करता हूँ, इस गंदगी में मैं नहीं जाना चाहता।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, शुक्रिया। वंदे मातरम।